गुड मॉर्निंग क्लास एट. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडोक्राइन सिस्टम. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड स्कैटर्ड ओवर द बॉडी. हमारा जो ये सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, स्कैटर्ड है बिल्कुल. दीज ग्लैंड्स कॉल द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इन्हीं ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्लैंड्स. बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स थोड़े अलग होते हैं. दे डिस्चार्ज द केमिकल्स दे प्रोड्यूस डायरेक्टली इन टू द ब्लड, अनलाइक अदर ग्लैंड्स विच डिस्चार्ज देयर सेक्रीशन थ्रू वेसल्स एंड डक्ट्स. बहुत सारे अलग जो ग्लैंड्स हैं वो अपने डिस्चार्ज, अपने सेक्रीशंस जो हैं वो वेसल्स में करते हैं, डक्ट्स में करते हैं, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके जो ग्लैंड हैं वो अपने सेक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं. ये फ़र्क है. आप जैसे देखो सेमिनल वेसाइकल है या प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, है ना, ये सब अपना सेक्रीशन कहाँ करता है, डक्ट्स में. लीवर एक ग्लैंड है, वो बाइल जूस देता है, ठीक है, कहाँ देता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है. तो ये सब अलग अलग डक्ट में देते हैं, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड में देते हैं. द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. हार्मोन्स एक्ट लाइक केमिकल मैसेंजर्स. अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स. और हार्मोन्स क्या है, ये एक तरह का केमिकल मैसेंजर है. दे आर कैरीड बाय द ब्लड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू विद मैसेजेस फॉर देम टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर वे. ये एक तरह का समझिए ना डाकिया है. ये क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू तक उस मैसेज को लेके पहुंचता है और उन्हें डायरेक्ट करता है कि जी आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है. दस द इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो इस तरह से वो क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन को, उसके काम करने के तरीकों को मॉनिटर करता है और उसे बताता है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए. द इंडोक्राइन ग्लैंड्स देयर लोकेशंस एंड फंक्शंस आर मेंशनड इन टेबल नंबर 4.1. द वन दैट आर इंटरेस्ट टू अस इन दिस चैप्टर आर द टेस्टिस एंड द ओवरीज. लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस फिगर में देखिए, लास्ट में दो चीज़ें लिखी है इस फिगर में, टेस्टिस, ओवरी एंड टेस्टिस. हम यहाँ पर चूँकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन देगा, हार्मोन देगा, उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे, ठीक है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे आल्सो फंक्शन एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो कहता है कि ये न केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बल्कि दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स. क्यों, बिकॉज दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो देता है, एंड दिस हॉर्मोन कॉज द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल. तो टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन निकलता है और यही स्पर्म भी निकालता है, ये प्रोड्यूस करता है. तो आप देख लीजिए, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही है स्पर्म निकालने के लिए, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है तो वो भी एक तरह का ग्लैंड हो गया. और ये हार्मोन क्या करता है, मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं यही डिसाइड करते हैं. ओवरीज ऑन द अदर एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स. और एस्ट्रोजन ऑल्सो प्रिपेयर्स द यूटरस फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए वो प्रिपेयर भी करता है. और दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन. तो ये केवल केवल प्रेगनेंसी के लिए जो रिलेटेड चेंजेस है वो लेके आता है. तो इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये है. उसके बाद आप टेबल देख लीजिए, टेबल में कौन कौन से ग्लैंड्स है. पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन के बेस पर नीचे हाइपोथैलेमस के पास नीचे होता है. इनका काम है टू रेगुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स. थायराइड ग्लैंड है, इनका लोकेशन लैरिंग्स के पास होता है, कंट्रोल करते हैं बहुत सारे एक्टिविटी जो बॉडी में होती है, एट द ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. पैराथायरॉयड है, बिहाइंड द थायराइड होता है, कंट्रोल करता है बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी. एड्रीनल्स है, अटैच टू किडनी, किडनी के ठीक ऊपर होता है.
ये हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन रेट को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। पैंक्रियाज है, स्टमक के ठीक नीचे होता है, ग्लूकोज लेवल को करता है। इसी की गड़बड़ी के कारण लोगों को डायबिटीज़ होती है, क्योंकि ये इंसुलिन को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। टेस्टिस है, जिसको हमने पढ़ा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन मेल, प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोमोट करता है। ओवरीज, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन फीमेल, एंड दिस कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड चेंजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इन वेमेन। तो ये था आपका, अब कल की टॉपिक होगी जेंडर एंड सेक्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।